हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम रवि भारद्वाज है और मैं चाइना में रहता हूँ। दोस्तों नमस्कार, मैं लोकेश कुमार। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मेरा नाम अदीबा है। सॉरी एवरीवन, आई फॉरगॉट टू इंट्रोड्यूस माय सेल्फ, आई एम प्रशांत। नमस्ते एंड वेलकम बैक दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पार्ट टाइम ट्रेवलर चाइना पे। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। हमें हर रोज़ इंस्टाग्राम में बहुत सारे रिक्वेस्ट आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और सवाल पूछते हैं लोग कि आप चाइना के सिटीज़ के बारे में बताइए। अगर कोई पहली बार आता है चाइना तो उसे किस सिटीज़ में जाना चाहिए, और सिटी में जाता है या वो शहर को विजिट भी करता है तो वहाँ पर देखने के लिए क्या है। लेकिन दोस्तों चाइना एक बहुत बड़ा देश है, यहाँ पर बहुत सारे शहर हैं, बहुत ही खूबसूरत शहर है और ऐसे शहर हैं जो कि फ्यूचरिस्टिक शहर है, जो भविष्य के शहर माने जाते हैं। तो ये सब चीज़ों के बारे में लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता है। दोस्तों आप चाइना के तो बहुत सारे यूट्यूबर को जानते होंगे जो कि काफ़ी फेमस है और जिनको आप हमेशा देखते हैं और काफ़ी इन्जॉय करते हैं आप। दोस्तों अगर हम बात करते हैं चीन के शहरों के बारे में और बीजिंग उसमें ना आए तो कुछ मिसिंग सा लगता है। लोकेश भाई रहते हैं, इनका खुद का चैनल है जिसका नाम है लोकेश चाइना ब्लॉग्स। ये लाइफस्टाइल से रिलेटेड और बीजिंग के जो टूरिस्ट अट्रैक्शन है, जो कि घूमने की जगह है, उसके काफ़ी सिंपल वे पे बताते हैं। तो इनका चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, एक बार आप ज़रूर विजिट करिए। दोस्तों लोकेश भाई और हमारे बीच में एक समानता ये है कि लोकेश भाई भी छत्तीसगढ़ से और हम भी छत्तीसगढ़ से हैं भाई। तो जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं लोकेश कुमार और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है लोकेश चाइना ब्लॉग्स। वैसे तो मैं प्रॉपर रहने वाला हूँ छत्तीसगढ़ से और पिछले 6 सालों से मैं अभी चाइना में रह रहा हूँ, यहाँ की राजधानी बीजिंग में। वैसे बीजिंग जो है चाइना का एक राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक सेंटर है। मीन्स बीजिंग में बहुत सारी चीज़ें हैं देखने के लिए, जैसे चीन का दीवार हो गया, फॉरबिडन सिटी है, थिएनमेन स्क्वायर है जो कि यहाँ का पॉलिटिकल प्लेस है, ठीक है, और समर प्लेस है, द हेवन टेम्पल जो कि एक मंदिर है, बड़ा मस्त मंदिर है, ओके। और इसके साथ साथ है नेशनल स्टेडियम जो कि 2008 में बनाया गया था जब यहाँ पे ओलंपिक गेम्स हुआ था, ठीक है। तो मेरे चैनल के माध्यम से मैं यहाँ की अपनी लाइफ स्टाइल, अपने फैमिली से रिलेटेड वीडियो, यहाँ की फूड से रिलेटेड वीडियो और जो यहाँ की टूरिस्ट प्लेस है उससे रिलेटेड ब्लॉग्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अगर आप लोगों को इस प्रकार के वीडियो देखने हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो अभी के लिए दोस्तों बाय बाय। दोस्तों आपने हमेशा सुना होगा गेटवे ऑफ इंडिया, कभी क्या आपने सुना है गेटवे ऑफ चाइना? कभी नहीं सुना होगा। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, गेटवे ऑफ चाइना एक बहुत ही खूबसूरत शहर है जिसका नाम है गुआंगझो। गुआंगझो को गेटवे ऑफ चाइना कहा जाता है। ये बहुत ही खूबसूरत शहर है, फ्यूचरिस्टिक शहर है और ये चाइनीज़ इकोनॉमी का बैकबोन कहा जाता है। दोस्तों गुआंगझो सिटी पे हमारे प्रशांत भाई, हम सब के फेवरेट प्रशांत भाई रहते हैं। प्रशांत भाई का चैनल है चाइना सितर आलू। इस चैनल को आपको मस्ट विजिट है दोस्तों, इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मिलेंगे आपको, काफ़ी इंटरटेनिंग वीडियोज़ मिलेंगे। तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप इनके चैनल को ज़रूर विजिट करिए दोस्तों। Hey guys, hello Narendra, welcome back to China Sitralu Telugu Vlogs from China. This is usually how I introduce myself in my channel, which is called China Sitralu Telugu Vlogs. So today I am happy to share some details about the city where I live in China. So this place is called Guangzhou. So Guangzhou is the third largest city in China with a population of, I estimate, around 10 million people. I guess again, okay. So I'm happy to make this video for my dear bhai Raj, who has a part-time YouTuber channel. His YouTube channel is like part-time traveler. So I would like to share some details about Guangzhou. So Guangzhou, as I earlier said, this is one of the biggest city in China, which is also the financial hub of China. It has many delicacies. Guangzhou is very famous for noodles. Guangzhou is famous for its nice dumplings. Guangzhou is famous for its spicy food. You find Korean, Italian, Turkey, Indian, kuch bhi food, everything is available in Guangzhou. So about places, I have to say Pearl River is like flowing through Guangzhou, which is very famous, Pearl River. And very close to Pearl River, there is a special tower which is called Canton Tower. Canton Tower is like 36 floors. You may think like, oh, 36 floors, what's so special? 36 floors is like
too big. It's third biggest tower in the world. Canton Tower is the third biggest tower in the world, if I'm not wrong. Also in Guangzhou, there is a wax museum, science museum, and many parks in Guangzhou. Another special attraction to Guangzhou is Guangzhou is located very close to Hong Kong. Say, deir ghante mein you can go to Hong Kong. You can directly drive from Guangzhou to Hong Kong. Places ke baare mein bataya, to I have to talk specially about people. People in Guangzhou are very similar to Hong Kong people. And climatic condition in Guangzhou, I would say, it is humid. But when I'm talking about winters, winters is so good to stay here because utna thandi nahi hota hai. I was before in north, say in Beijing. Now you see the temperatures are like freezing. Barfi ho jate aap log to. Mere ko aap to maaf karne hai kyunki I speak toda toda Hindi. I'm basically from Hyderabad. Sorry everyone, I forgot to introduce myself. I am Prashant. Prashant Kumar Gatala. I'm here in Guangzhou for about a year now with my family. So my entire stay in China is about 7 years. And I'm so happy to share this video aapke channel mein, dear Raj, part-time traveler. Thank you. Signing off, China Sitralu Telugu Vlogs from China. Bye guys. चिंगदाओ सिटी के बारे में, ये बहुत ही खूबसूरत बहुत ही ब्यूटीफुल सिटी है चाइना का. चिंगदाओ सिटी पे हमारी पाकिस्तानी यूट्यूबर अदीबा कासिफ जी रहती हैं और इनका चैनल जो है लाइफस्टाइल और व्लॉगिंग से रिलेटेड होता है. काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस होते हैं. डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उनके चैनल को विजिट कर सकते हैं. अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब. मेरा नाम अदीबा है और मेरा जो चैनल है उसका नाम है अदीबा काशिफ. और पार्ट टाइम ट्रैवल ने मुझे मौका दिया है कि मैं चाइना के हवाले से कुछ बात करूं. तो हमें यहाँ पे 4 साल हो गए हैं. चाइना का एनवायरनमेंट बहुत ही अच्छा है. हमारे जो 4 साल है वो शंघाई में गुजरे, बहुत ही अच्छा रहा. उसके बाद अब हम लोग आ गए हैं यहाँ चिंगदाओ में. चिंगदाओ भी बहुत ही अच्छा खूबसूरत सिटी है. यहाँ पर अभी स्नो चल रही है, मौसम जो है बहुत ही ठंड है. और यहाँ का जो फेमस प्लेस है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ. यहाँ पे बहुत ही अच्छे अच्छे बीचेस बने हुए हैं. अभी हम न्यू यहाँ पे आए हुए हैं तो हम आज तक एक्सप्लोर कर रहे हैं. और यहाँ पे बीचेस बहुत अच्छे बने हुए हैं. और जो यहाँ का फेमस प्लेस है इसका नाम है माई फोर्थ स्क्वायर. बहुत ही अच्छी जगह है घूमने के लिहाज से. चाइना पूरा ही बहुत ही अच्छा खूबसूरत बना हुआ है. आप लोगों के साथ जो लाइफ है यहाँ की वो हम लोग शेयर कर रहे हैं. अगर आप लोगों को हमारे जो व्लॉग अच्छे लग रहे हो तो हम लोगों के चैनल को सब्सक्राइब करेगा और मेरा चैनल भी ज़रूर विज़िट करेगा. और पार्ट टाइम का बहुत ही शुक्रिया, उन्होंने हमें मौका दिया कि हम कुछ बोलें चाइना के हवाले से. दोस्तों जब बात हो रही है चांगचुन सिटी की, तो चांगचुन सिटी में हम सब के प्यारे, हम सब के फेवरेट और हम सब के भाई रवि भाई रहते हैं. रवि भाई का खुद का चैनल है जिसका नाम है इंडियन इन चाइना के नाम से, आपने देखा होगा, जो कि हमेशा लाइफस्टाइल, ट्रैवल और काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो शो करते हैं और दिखाते हैं लोगों को चाइना के बारे में. और काफ़ी औसम बंदे हैं, हमारे मेंटर हैं, हमारे बड़े भाई हैं. तो आप उनके चैनल को, हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है लिंक, आप उनके चैनल को ज़रूर विज़िट करिए. हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, मेरा नाम रवि भारद्वाज है और मैं चाइना में रहता हूँ दोस्तों. और ये हमारे योगा क्लासरूम रेडी हो चुके हैं यहाँ पे, नया योगा सेंटर. भगवान गणेश जी की मूर्ति भी हमने रखवा दी है और 10-12 क्लासरूम रेडी हुए हैं. और बहुत अच्छा माहौल है. कुछ दिनों में यहाँ पे क्राउड भी इकट्ठा हो जाएगा क्योंकि हमारे पास 500 स्टूडेंट हैं, सब आने शुरू हो जाएंगे. कुछ दिनों बाद फिर से एक वीडियो अपलोड करूँगा. तब तक लिए जय हिंद, जय भारत. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. आज के वीडियो पे बस इतना ही. आई होप आपने एंजॉय किया होगा. एंजॉय किया होगा इस वीडियो को तो दोस्तों अपने दोस्त और फैमिली के साथ शेयर करिए. इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों, क्योंकि हम इस चैनल पे इसी तरह के कुछ इंटरटेनिंग, कुछ काम की चीज़ें और कुछ अलग हट के दिखाने की कोशिश करते हैं. तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. तो आपसे फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो पर. तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए और सदा मुस्कुराते रहिए दोस्तों. बाय बाय.